नमस्कारम सतगुरु। क्या ध्यान लिंग की ऊर्जाओं को कहीं से भी ग्रहण करना संभव है? क्या मैं घर से ध्यान लिंग की ऊर्जाओं को उपलब्ध हो सकती हूँ? आपको यह समझना होगा, दो तरह की प्रतिमाएं होती हैं या दो तरह की प्राण प्रतिष्ठाएं होती हैं। वन इज जस्ट अ रिवर्बरेशन, यू कैन, एक है बस स्पंदन। आप इस बर्तन को भी स्पंदित कर सकते हैं, पर आप कहीं और से इस बर्तन तक नहीं पहुंच सकते, क्योंकि ये बस स्पंदित हो रहा है बिना किसी इरादे के कि क्या करना है। इसमें कोई मंशा या बुद्धिमत्ता नहीं है। पर प्राण प्रतिष्ठाएं जो देवी जैसी जटिल होती हैं, या ध्यान लिंग जो और भी ज्यादा है, वो भौतिक जगह की सीमाओं में नहीं होती हैं। आप जहां भी हैं, अगर आपके द्वार खुले हैं तो ये उपलब्ध होंगे। ऐसे बहुत सारे लोग, पहली बार ही अमेरिका में हुआ, मेरे ख्याल से ये दूसरा प्रोग्राम था, हम इनर इंजीनियरिंग प्रोग्राम कर रहे थे, कैरिबियाई द्वीपों से एक महिला थी जो कई तरह के कामों में शामिल थी, कुछ खास तरह के काम। वो एक कागज में अपनी पेंसिल से कुछ करती रहीं। आप जानते हैं, हमें नोट्स लिखने वाले लोगों से थोड़ी दिक्कत होती है, तो मैंने कहा नहीं, आपको नोट्स नहीं लिखना है, बस मेरे साथ रहिए। तो वो मुझे देखती रहीं, कागज में नहीं, बस मुझे और पेंसिल से उस पर कुछ करती गईं। फिर 3 घंटे का सेशन खत्म होने के बाद वो बोलीं, आई डोंट नो व्हाई दिस केम, समथिंग केम आउट ऑफ दिस, मुझे नहीं पता ये क्या है, ये चीज, ये रूप मेरे द्वारा बन गया, मुझे नहीं पता ये कैसे हुआ, मैं तो बस आपको देखकर अपना स्केच बनाने की कोशिश कर रही थी, पर मैंने ये बना दिया। ये ध्यान लिंग का एक सटीक अनुपात था, उसने हूबहू ध्यान लिंग का चित्र बना दिया। इस तरह की उसने अपनी पेंसिल से पूरा पेज स्क्रैच कर दिया, और जिस जगह स्क्रैच नहीं हुआ था वो एकदम ध्यान लिंग का रूप था, एकदम वही अनुपात। पर वो मेरी पिक्चर बनाने की कोशिश कर रही थीं, तो मैं आपको बता रहा हूं कि प्राण प्रतिष्ठित रूप उनके भौतिक स्थान तक सीमित नहीं होते। As Dhyanalinga is not a particular physical form, but it's an energy form which defies time and space. चूंकि ध्यानलिंग कोई भौतिक रूप नहीं है, बल्कि ये एक ऊर्जा रूप है जो स्थान और समय से परे है, तो अगर कोई इच्छुक है तो आप कहीं भी हों, यह आपको उपलब्ध है। पर फिर भी आप में से बहुतों को ये बहुत काल्पनिक लग सकता है, तो मैं कहूंगा कि ये अच्छा होगा कि आपने कम से कम एक दर्शन किया हो। अगर आपने ध्यानलिंग को देखा है, अगर आप वहां बैठे हैं, तो वैसे भी ध्यानलिंग के माध्यम से आपके भीतर आध्यात्मिक बीज बोया जा चुका है। और अगर आप अपने लिए बस एक समय फिक्स कर लें, अच्छा होगा कि सुबह या शाम में, और बस शांत होकर बैठ जाएं, तो ध्यानलिंग की ऊर्जा आपको आपके भीतर से जरूर आगोश में ले लेगी। और अगर आपको सपोर्ट के लिए कुछ देखने को चाहिए, तो आप एक फोटो या यंत्र ले सकते हैं जो आपको जरूरी सपोर्ट देगा। पर ये सारे सपोर्ट बस इसलिए हैं क्योंकि व्यक्ति मनोवैज्ञानिक रूप से विचलित है, नहीं तो इनमें से किसी की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसकी उपस्थिति में जो आध्यात्मिक बीज बोया गया है वो वैसे भी इसे सुनिश्चित करेगा। पर अगर आपको कुछ दिखने वाला सपोर्ट चाहिए, तो जरूर आप ले सकते हैं, या फिर मंत्र या कोई सीडी या कुछ ऐसा चला सकते हैं जो आपको इसमें सहायक ध्वनि का सपोर्ट भी देगा। पर वास्तव में अगर आप घर में इसके लिए एक जगह रखें और बस शांत होकर बैठ जाएं, और अगर आप उस स्थान पर जा चुके हैं, तो आपको अपने भीतर ये महसूस होना चाहिए। अगर आप उस स्थान पर नहीं भी गए हैं तो भी ये संभव है, पर उसके लिए आपको ग्रहणशीलता के खास स्तर पर होना होगा, जो शायद हर किसी के लिए संभव ना हो।